कहते हैं जब प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का होता है। जिस धरती पर मैं खड़ा हूं, जिस खेत के ऊपर मैं खड़ा हूं, जो आपको पूरा मैदान लग रही है, इसके अंदर धान की ब्योर लगे हुए थे, फसल की तैयारी हो रही थी, और ऐसे में पूरा खेत बालू से पट चुका है, ये देख सकते हैं। और इधर जो खेती लगी हुई थी गन्ने की, देखो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और सबसे ज्यादा नहर कटान से अगर कोई गांव प्रभावित हुआ है तो वहां रोशन है। रोशन इसलिए है क्योंकि यहीं से गड्ढा बनना शुरू हुआ था, और जो नहर है डाइवर्जन जो उसका पानी का हुआ वो इन्हीं क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई थी। देख सकते हैं कि आसपास जितनी खेती है, कुछ खेत इधर का कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन अधिकांश जो फसलें हैं वो बिल्कुल जमींदोज दिख रही हैं, जमीन से टच हो गई हैं, उखड़ चुकी हैं। ये देखिए आपके सामने ये फसलें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से किसान की कंगाली में और भी अधिक आटा गीला हो गया। इस मामले में हमारे आसपास यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि जब कल ये मंजर भयावह आया तो क्या कुछ आपने देखा और कितना नुकसान फसलों का किसानों का हुआ है? अरे नुकसान तो सर काफी हो गया है, यहाँ थोड़ा सा बहुत यहाँ बचा तो बचा, नहीं तो भीख मांगने वाले हो नहीं सबको। यहाँ 5 साल तो कुछ होना ही नहीं, माटी नहीं हटाई मिली यहाँ 5 साल तक। जब इतनी रेत जम गई तो माटी कहाँ हटाई मिली। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।